आपकी सहायता से बुलाएंगे। ब्रांड न्यू डायमंड राजेश अन्नदाता ऑन द सेट। पिच बलवार की तरफ से वील एंड पेगी रूट ने एक प्लेट दिया है, क्या लिखा जानना चाहते हैं? यस। राजेश कुमार और नताशा कुमार, ब्रांड न्यू डायमंड, द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैन डेडिकेशन इन एक्सीलेंस इन नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और सी बिकम टू इट विल रीड। We are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Beat, Free Enterprise Day Celebration 2017. वर्षों से देखा था सपना, वो सपना हो गया आज अपना। वर्षों से देखा था सपना, वो सपना हो गया अपना। आज भी सूरज निकला है, आज भी दिन खिली है। आज आप सब जो भीड़ है इतनी प्यारी है, राजेश नताशा हो गए डायमंड, आज हमें बोलने की बारी है दोस्त। अपने बारे में बात करेंगे, आज वक्त बहुत कम रहता है लेकिन इमोशन बहुत रहता है दोस्त। इसी दिन के लिए, इसी वक्त के लिए कितने वर्षों से अपने आप को ढालता है, डिसिप्लिन करता है, एक्स्ट्रा माइल चलता है, नए थॉट प्रोसेस को लाता है, बिग विजन को लाता है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, उससे पहले आज ब्लेस्ड है, हमारा पूरा फैमिली ब्लेस्ड है ऊपर वाले के कारण। आज जो भी हम लोग पूरा फैमिली में जितना सक्सेस है, जितना हम लोग चैंपियंस हैं, एक उनके लिए जिनके में ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनके लिए एक बढ़िया ताली दीजिए। सबके लिए एक बढ़िया ब्लेसिंग देंगे दोस्त। और जब पैदा हुए तो एक ही बात आता है कि आपके संस्कार, आपका बड़ा थॉट प्रोसेस, आपका बिग विजन अचीवमेंट बाद में आता है, लेकिन मदर फादर, जहां आपके संस्कार वहां से ट्रांसफर होते हैं। हमारे मम्मी पापा के लिए जो हमेशा बड़े सोच को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी रहें, किसी बात पर करें, हमेशा एक बड़े सोच को डेवलप करते रहे, बड़े सपने को कहीं ना कहीं क्रिएट करते रहे। माँ हमेशा एक अनिथिकल काम कभी ना करो, लीगली इथिकली सब कुछ हो जाता है, इस बिलीफ को दिलवाते रहे। हमारे मम्मी पापा के लिए एक बढ़िया ताली, खूब बढ़िया ताली दीजिए। और बिजनेस में आने के बाद सूरज आती है, जहां पर आपका एक साथी मिलता है, जहां मेंटोर्स मिलता है, जहां गाइडेंस मिलता है, और चलना शुरू करते हैं। शुरुआत किसी रूप में हुआ हो लेकिन जब चलना शुरू किए तो आज देख रहे थे ना कितना मजबूत एलोइस है। बिहार के चहेते हैं, इंडिया के चहेते हैं, ब्रिट गलेक्सी के हीरो हैं, फोन एडीसी हैं। प्रियमल सुनीता, हमारे अपलाइन के लिए बढ़िया साइड दीजिए। और जब बिजनेस शुरुआत किए थे तो कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, मिनट, दो मिनट, पांच मिनट के लिए जिनसे मुलाकात होती थी, जिनके कारण विश्वास आता था कि बिजनेस बड़ा हो सकता है, होता है, यहां आया करते थे,
लेकिन आज दोस्त कितना नजदीकी हो गया है, फोन एंड आमन गोइंग ईडीसी अनुराग निधि अवार्ड के लिए बढ़िया तैयारी दीजिए दोस्त। मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आज जहां है सब इन्हीं एलओस की बदौलत है। हमारी फैमिली, हम अपने बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हमारी फैमिली चैंपियन फैमिली है, विनर्स फैमिली है, अचीवमेंट लेने वाली फैमिली है, कभी पीछे नहीं रहती है, कभी मिडिल में नहीं रहती है, कभी ठहरते नहीं। हम लोग सात भाई एक बहन, हमारे फादर डिप्टी कलेक्टर यहाँ के बिहार प्रशासन सेवा से रिटायर किए, एक बढ़िया माहौल घर में हमेशा अचीवमेंट का। सात भाई एक बहन में हम थर्ड में आते हैं, एक तो डायमंड फरवरी में होगा, एक दूसरे डायमंड देख रहे थे मई में, वो भी डायमंड हो गया, दो भाई डायमंड एक साथ एक साल में, ग्लोबली रिकॉर्ड है दोस्त, बिहार और इंडिया का नहीं। सात भाई एक बहन में चार छोटे भाई बहन आईआईटी कानपुर से हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, दो भाई और एक बहन यूएसए में है, अमेरिका में, एक ही बहन वो भी आईटीएन ही है, और दो अपने भाई भी आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर में 2000 बैच के, उनकी वाइफ भी आईएएस है, एक की वाइफ फॉरेन सर्विस में एडिन बारा में है, एक रणवीर है एमडी है यूपीएसआईडीसी में, रंजन है सेक्रेटरी रेवेन्यू के, अभी लंदन गए हुए हैं, एक की वाइफ इटावा डीएम है, बाकी हम लोग दो भाई यहां डायमंड है। मामूली नहीं, इस फैमिली के साथ आपको कॉम्पीट करना, आपके साथ पैरेलली आप लोग को मेंटेन करना, जो बचपन में साथ आप देखे होंगे, होस्ता सत्य पे सत्ता देखे होंगे, जो उसमें कर्तव्य दिखाता है उससे कतई हम लोग कम नहीं थे। एग्जैक्टली कहिए कि सब कुछ वही था या प्लस ही थे, लेकिन जब ग्रोनअप होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो दूरियां बढ़ती है अचीवमेंट के ख्याल से। सब कुछ था दोस्त, सब कुछ करते भी गए, हमारे लिए भी यूपीएससी का तैयारी सब चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। एक बार जब छोटे भाई जब आईएएस हो गए, हम लोग हमारे यूपीएससी का प्रीलिम्स देना था, जो फर्स्ट एग्जाम होता है, कानपुर गए हुए थे, अपनी स्टोरी जरूर बताएंगे आपको, और वहां पर छोटी छोटी घटनाएं लाइफ में कितना बड़ा मैसेज देती है और कितना बड़ा लेसन देती है। एक रस्सी फांद रहे थे ऐसी खेल खेल में, और रस्सी फांदने के क्रम में ही ऊपर से नीचे आते हैं, हमारा पैर टूटता है, 360 डिग्री पर मुड़ जाता है दोस्त, लिगामेंट टियर होता है। हमने हम लोग जो जिस रूप में सक्सेसफुल हुए थे, जिस रूप में हम लोग का ग्रोनअप हुआ था, पर अंदर से ईगो आ गया था, अपनी बात को प्रूव करते थे, अपनी बात को ही मानते थे। कोई अगर हम लोग उल्टा चप्पल पहन के बाहर निकले, कोई टोक भी दिया कि चप्पल उल्टा है, तो हम लोग बोला करते तू सीधा पहन के क्या कर लिया, इस तरह का ईगो आ गया था दोस्त। जब 6 महीना जब बेड पर गए, अपने बारे में इतना भरोसा, अपने बारे में इतना सब कुछ लगता हम लोग कंट्रोल का है, उस 6 महीने के दरमियान मेरा उस वजूद को हिला दिया, अपने ऊपर उस सेल्फ इमेज जहां अपने को बहुत भरोसा था खंडित खंडित हो गया दोस्त। डर लगने लग लगा, अपने इनसिक्योरिटी का भाव आ गया कि हमारे कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो भविष्य बारे में बात करते हैं, सब समय परिस्थिति शरीर सब साथ देगा। तब तो उस 6 महीने के अंदर भगवान हमेशा एक अमंगल में मंगल छिपा होता है, ये सुना करते हम लोग, लेकिन उस दिन बिलीव हुआ जब आज सफल होकर यहां बात कर रहे हैं आपसे दोस्त। ऊपर वाले के लिए फिर से ताली दीजिए आज। और उस दरमियान जब इनसिक्योरिटी का भाव आया तो कुछ तलाशने लगे, लगता है कि फैमिली से दूर जा रहे हैं, जो रिस्पेक्ट मिलते आ रहा है, जिस रूप में हम लोग साथ रह रहे हैं, वो फैमिली हमारा जो साथ में रहने का था कहीं दूरी हो रहा है। बहुएं जो आई आईएएस आई फॉरेन सर्विस से आई, सब बाहर यूएसए में रहने वाली आई, लगता है कि रिस्पेक्ट वो देना भी चाह रही हैं, शायद हम लेने लायक नहीं है। इसी बीच में तलाशने लगे दोस्त, जो आदमी जो चाहता है ना कि अपने वजूद की बात होती है, अपने लाइफ में कहाँ आप जीना चाहते हैं, जिस रूप में आप विजुलाइज करते हैं, अपनी जिंदगी को सोचते हैं, लगता है उसी पर खतरा आ गया था। इसी बीच भगवान बहुत हमेशा ब्लेस रहा है, इसी बीच हम लोग कोलकाता मीटिंग जाने का, जो आज कलकत्ता से कोलकाता हो गया, वहां मीटिंग जाने का मौका मिला। बड़े पैराडाइम को, जो अपने जो पैराडाइम जो बना हुआ था कि दुनिया में यही चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, उस दिन बदलने का मौका मिला, कुछ वैसे लोगों से देखने का मौका मिला, दूर से ऐसे ही फंक्शन में सुमित बहादुर से देखने मौका मिला, जो आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस थे, बढ़िया ताली दे सकते उनके लिए, 100 रैंकिंग, बहुत सीनियर लेवल पर, हसन भाई सेम कॉम्पिटिशन सेम वे में, वो यूएसए में वहां वर्क कर रहे थे, हाई इनकम ब्रैकेट में थे। समीर काकोड़कर को देखे, जो बड़े बिजनेसमैन है गोवा का, उनका पूरा खानदानी चीफ मिनिस्टर राम, मम्मी नाना सब लोग, वाई इज बिल्डिंग। एक इलेक्ट्रिशियन को देखे, पौर राज को देखे, ताली बजा सकते उनके लिए, आई डबल डायमंड है। वाइफ सगाया मेरी स्टाफ नर्स लगा कि अरे हर एक प्रोफाइल का लोग करता है, एक बिजली मिस्त्री भी कर लेता है, एक बड़े आईटीएन भी करते हैं,
फाइनल आउटपुट क्या है, लेकिन दोस्त जब फंक्शन खत्म हुआ तो उसके फाइनल आउटपुट्स रिवार्ड्स देखे, बिलीव नहीं हुआ कि कौन सी दुनिया में आ गए दोस्त। आने वाले 10 साल के बाद अगर हम कहां जाना चाहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनके जीने का तरीका, अपने टाइम पर कंट्रोल, अपने शर्तों पर जीना, वर्ल्ड वाइड ट्रिप करना, फाइनेंस का लवालब रहना, बिलीव नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसा भी है जहां ये सब चीज संभव है। दैट डे आई टुक डिसीजन करने के लिए शुरुआत की है, और होता है वही है। अब शुरुआत करते हैं, दिल में एकदम जब डिजायर होता है, आप कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है, करना शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं होता है बिजनेस बिल्ड कैसे करें। इसी बीच में बहुत सी चीजें होने लगी। बिजनेस बिल्ड करने के क्रम में जो अपने तरीके से बिल्ड करते हैं, हम लोग चूंकि नालंदा से बिलोंग करते हैं, आज बताने में अच्छा लगता है। एक हमारे घर में पापा का सोशली बहुत रिकॉग्नाइज रहे, हमारे घर में कभी भी कोई भी पटना आया तो ये जरूर बोलता था कि यहां से अगर आएंगे, यहां से अगर मुलाकात नहीं किए, यहां चाय नाश्ता नहीं किए तो हमारा जतरा नहीं बनता, मतलब हमारा शुभ नहीं होता है। तो हम लोग भी उसी रूप में थे, वेलकम करते थे और खाना बनते रहता था। बिजनेस बिल्ड करना शुरू किए, बड़े सपने को लेकर बिल्ड करना शुरू किए, लेकिन तरीका अपना था। बस लोग आना शुरू किए, हम लोग घर बैठे ही लिस्ट है, घर बैठे ही नेटवर्क है, कुछ लोगों को प्रोटीन डेली ओमेगा सब संभालना देना शुरू कर दिए, हड़कंप मच गया। लोग सोचे गए कौन सा बिजनेस करना शुरू किया है, हम आते हैं चाय नाश्ता के लिए, अपने लिए ये पता नहीं क्या क्या देना शुरू कर दिया। लेसन मिलता है दोस्त कि तरीका जो भी हो, लेकिन बिजनेस का जो जज्बा था उसका हम बिल्ड करना शुरू कर दिए। बाद में इतना तो हो गया कि लोग पटना आते थे, गली बदलते थे, हम लोग फोन मजाक में करते भी थे कि पटना नहीं आ रहे हैं, बोले पटना तो आना ही छूट गया है, हम लोग कहीं अलग रह गए, लेकिन दोस्त कहीं आते थे। लेकिन इसी बीच में बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड करना शुरू किए, कुछ दिनों का साथ शुरू में रहा, बाद में साथ देने में थोड़ा सा इनका कहीं कहीं नेगेटिविटी आया, लेकिन सिल्वर शिप लिए, बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड किया, सिल्वर शिप लिए। लेकिन पता नहीं था बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत पड़ता है। हम लोग जो IIT जो घर में जितने लोग निकले, एक ही कॉन्सेप्ट था कि सिलेबस देखो और अच्छी अच्छी किताबें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उन सबको देखो और पढ़ो, अपने आप हो जाता, होता भी रहा। यहाँ भूल गया कि यहाँ भी कुछ सिलेबस होगा, यहाँ भी ट्रैक होगा, यहाँ भी एक सिस्टम होगा, और हम सिलेबरशिप लिए। एकाएक बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आया और बिजनेस एकाएक छूटते चला गया और जीरो पा गया। अधिकांश लोग उस समय बिजनेस को होता छोड़ देते दोस्त, लेकिन हम लोग का एक बिलीव था जो देख चुके थे, बड़े सपने को जहाँ रिलेट कर चुके थे कि इसके अलावा लाइफ में ऑप्शन नहीं है, कोई भी जॉब करें, कोई प्रोफेशन करें, कुछ भी करें, अगर सबके समकक्ष या उनसे आगे निकलना है, उनके बराबरी भी रहना है, तो ये बिजनेस में ही ताकत है जो हमको वहां तक पहुंचा सकता है दोस्त। शुरू के दोस्त बहुत लाजवाब था, सिस्टम के साथ आए, अप्लायंस सबमिशन में आए, कम्युनिकेशन में थे, जब सिस्टम साथ में आया तो बिजनेस बड़ा भी होने लगा। जब शुरुआत किए, जब रिक्वालिफिकेशन हुआ, याद है कि जब रिक्वालिफिकेशन हुआ उस साल प्लैटिनम हुई है, उस साल LS हुआ, उस साल हम लोग फॉरेन ट्रिप गए, बच्चे के साथ गए, अनस्टॉपेबल लास्ट 10 ईयर्स से आज तक हमारा क्वालिफिकेशन नहीं रुका है, क्योंकि सिस्टम के साथ करना शुरू कर दिया। इस बिट वर्ल्ड वाइड के लिए बढ़िया ताई दे सकते हैं आप। आगे बहुत सारी कहानियां हैं, पहले हम अपने जो साथ दी, हमेशा लाइफ में क्या होता है कि आप जब चलना शुरू करते हैं तो आपके अब बेटर हाफ साथ देती हैं, तो मोरली बूस्टअप रहते हैं। जो खूबसूरत लेडी हैं, एक बढ़िया ताई दीजिए इनके लिए, इनकी बात सुनेंगे तो लास्ट में आपको बताएंगे कि बिजनेस को बिल्ड करने का मजा क्या है। वेलकम कीजिए एक बढ़िया ताली से नताशा को। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था, जब ये म्यूजिक सुनते थे तो लगता था कि कब मेरे लिए बजेगा, आज वो दिन आ गया। वहां से बैठ के सुनते सुनते आज मेरे लिए भी ये म्यूजिक बज गया। और यहाँ पे आने से पहले, मैंने यहाँ पे आए हैं तो भगवान का सबसे बड़ा कृपा रहा है कि उनका आशीर्वाद हम लोग दोनों पे बहुत रहा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, हम लोग दोनों का स्वास्थ्य और हम लोग का आशीर्वाद उनका बना रहा, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे हैं। और हमारी मम्मी, मेरे भैया और मेरे सास ससुर, ये सबों का बहुत आशीर्वाद रहा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी कुछ कर रहे हैं, अगर उनका आशीर्वाद नहीं रहता तो शायद सक्सेस नहीं पाते। और हम अपनी थोड़ी छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। हमारे फादर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर एक गजेटेड ऑफिसर थे और मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब अब करती हैं। मेरे फादर, करीब हम 8 साल के थे तो मेरे फादर का देहांत हो गया था, तो लाइफ एकदम वहाँ के बाद चेंज हो गई थी, वहाँ से सब कुछ बदल गया। 8 साल के बाद से जब तक शादी हुई तब तक जो माहौल में रहे उस तरह का मेरा माइंडसेट हो गया था। अगर हम किसी से मिलते थे तो मेरे को लगता था कि
कहीं ना कहीं कोई भी कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव पार्ट हर समय लेते थे, सबके लिए निगेटिव सोच आ जाता है। शादी मेरी जब हुई, मेरी मौसेरी बहन के देवर से हुई, शादी बहुत अच्छे ढंग से मेरी मम्मी भैया ने किया। और जब शादी हुई तो सबसे बड़ा चेंज हमको अपने आप में लाना पड़ा। पहले हम तीन आदमी का परिवार थे, मैं हम थे, मेरी मम्मी थी और भैया थे, सिर्फ तीन लोग। और जहाँ शादी हो के आए यहाँ, ये इन लोग सात भाई एक बहन, बहुत बड़ी फैमिली। आपको सबसे पहले मेरे को वहीं पे चेंज करना पड़ा, तीन से सात आठ में चले गए, वहाँ पे चेंज लाए धीरे धीरे। यहाँ पे आए, पहले हम निगेटिव बहुत रहते थे, सब लोगों के साथ बात करते थे, कहीं ना कहीं सबका निगेटिव पार्ट निकालते थे। यहाँ आए, यहाँ पे सब लोग सक्सेस देखते थे, हर एक समय सक्सेस खोजते थे, लाइफ में हर समय बढ़ने का प्रोसेस इन लोग में था। तो वो चीज़ धीरे धीरे हम भी उसको अपने आप में लाए, क्योंकि मेरे बाद जितनी मेरी गुतनी है छोटी जो देवरानी हुई है, वो सारे अच्छे अच्छे सर्विस में है, एक आईएएस है, एक फॉरेन सर्विस में है, और सब यूएसए में है। ननद भी अच्छे आईआईटीएन है, तो लगा कि हम भी कुछ करें, हमारी भी एक पहचान बने। उसी दौरान हम लोग जो ये बताए ट्रेजिडी हुआ, इनका पैर का लिगामेंट टियर हुआ, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, हम और मेरे भैया जो हमारे अपलाइन रंजीत भैया, उन लोगों हम दोनों ने एक साथ हम लोगों ने बिजनेस का शुरुआत किया। और जब शुरुआत हुआ तो हर एक आदमी शुरुआत करता है, लगता है कि ये तो हम आसानी से कर लेंगे। मेरे साथ भी वही हुआ, हमको लगा ये बहुत आसानी से कर लेंगे। मेरे पास कुछ लिस्ट थे, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड जो कि हमको लगा कि हम अगर उसको बोलेंगे तो वो कभी ना नहीं करेगी, तो हम उसको बोलने गए कि चलो ये हम एक स्टार्ट किए बिजनेस, तुम भी करो। लेकिन वहाँ जैसे ही बोले, उसके बाद जो रिएक्शन मिला, लगा कि कहाँ हम गलत चीज़ में फंस गए। हम उस दिन जितने एक्साइटमेंट से गए थे, उतना ही हम निकले डिमोटिवेट होके। उसके बाद हम कभी इस बिजनेस को करने का नहीं सोचे। ये अकेले बिजनेस करते थे क्योंकि इनको समझ में आ गया था, लेकिन हम कभी भी सपोर्ट नहीं किए। सिल्वर हुए, सिल्वर होने के बाद जो सबको रिकॉग्निशन मिलता है, जो एक मान सम्मान, अपने घर में एक अपना वजूद दिखाना था, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। उसके बाद से हम अपने हस्बैंड के साथ, जिस दिन से इनके साथ प्लग इन हुए, आज तक कभी भी हम इस बिजनेस के लिए कोई भी चीज़ ना नहीं बोले हैं, चाहे कितना भी चैलेंज हो, कभी भी ना नहीं। उसके बाद मेरी बेटी भी बहुत छोटी, उसी दौरान मेरी बेटी भी इस बिजनेस में हुई, 15 दिन की बेटी, और उसको लेके मूव करते थे, कहीं डेमो प्लान में भी जाना हुआ तो जाने के लिए तैयार रहते थे। जब बेटी को लेके जाते थे, बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोग निकलते नहीं हैं, बहुत लोग रीज़न बनाते हैं। हम जब निकलते थे, घर के बाहर गेट पे ही बैठे रहते थे स्पेशली कि हम लोग कब आएंगे, हस्बैंड वाइफ बेटी को लेके। उन लोग बोलते थे देखो आ गया करोड़पति बनने, बच्चे को लेके घूमते रहता है। उस समय बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे बोली कि जो कि मने लगता था कि फील बहुत होता था, लेकिन उनकी बातों को भी सुन के कभी रुके नहीं। वो बोलते रहे, हम लोग सुनते रहे, काम करते रहे। आज वो सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं तुम लोग कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर उस समय रुक जाते, अगर जैसे किसी के घर डेमो के लिए जाते थे तो सबसे पहले एक ही बात बोलती थी कि बेटी को लेके आई हैं, आप नहीं निकला करिए। वो हमको हर समय एडवाइस देते थे, हम कभी कुछ नहीं बोलते थे, हम बोलते थे ठीक है नहीं निकलेंगे। उनकी बातों को मान के उनके सामने रिस्पेक्ट करते थे वो जो भी बोली है, लेकिन फिर कल हम निकल जाते थे। वो इसलिए जब हमको ज़रूरत, मेरी बेटी की ज़रूरत होगी, उस समय कोई सपोर्ट नहीं करता। लाइफ में हम पहले ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। मेरे फादर नहीं थे तो हम ये देख चुके थे कि जिस समय आपके, जब तक घर में मेरे फादर थे तो सारे लोग आते जाते थे, मेरे फादर नहीं रहे तो कोई नहीं आते थे। अगर हमको ज़रूरत है तो उनको कम से कम 10 बार बोलते थे तब आते थे। ये फीलिंग मेरे को पता है कि जब आपके अच्छा समय रहता है ना तो सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जब समय बुरा आता है तो कोई आपका साथ नहीं देता, आपको खुद साथ देना होता है। ये चीज़ मेरे को मालूम था। उसके बाद से हम कभी रुके नहीं बेटी को लेके। मेरा बेटा 1.5 साल का था प्रत्युष, और मेरी बेटी प्रजुषा छोटी थी उस समय, गोदी में लेके घूमते थे उसको। उस समय मेरी 800 गाड़ी थी, उसको पूरा रैशेज हो जाता था, इतनी गोरी थी। मैंने उसको देख के किसी को भी लगता कि क्यों लेके निकल रहे हैं,
लेकिन हमको पता था कि सबसे सेफ जगह हमारे साथ है मेरी बेटी, उसको लेके हम निकल रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को हर दिन सुनना भी पड़ता था बहुत कुछ, लेकिन कभी कोई हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ कभी हताश नहीं होते थे। मालूम है कि जब बड़ी होगी उसको सारी चीज़ें दे सकते हैं। आज वो दिन आ गया, आज उसको सारा चीज़ दे पा रहे हैं। अगर हम उस समय रुक गए होते तो शायद आज कुछ भी नहीं दे पाते, वहीं का वहीं रह जाते। ये सबके साथ होता है। हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, बिजनेस बिल्ड भी किए। यहाँ पे मेरे घर में भी ऐसा होता था कि घर में गोतनी सब बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, तो उन लोग भी कभी कभी बोलती थी पहले कि भाभी आप लोग क्या करती हैं घर में, सिर्फ खाना बनाना और घर में ऐसे ही रहना, कुछ की करिए। उस समय भी बहुत खलता था कि कहीं मेरी एक ऐसी पहचान हो। आज जब जब ट्रिप जाते हैं, फॉरेन ट्रिप जाते हैं, मेरे घर में मेरी जितनी छोटी देवरानी है सब बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं नहीं भाभी आप लोग बहुत अच्छा लाइफ बिता रही हैं। कहीं ना कहीं आपको घर में भी मान सम्मान मिला। और इस बिजनेस को करते करते हम लोग जब दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें हम लोग का इमरल्डशिप शुरू होने वाला था। हम लोग डिसाइड किए थे, ग्रुप में अनाउंस किए थे कि हम लोग को इमरल्ड जाना है। डिसाइड तो कर लिए, जुलाई में ये सब जगह अनाउंस भी किए। जिस लेक को ले जाना था वो लेक किसी कारणवश वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग उनको रिप्लेस करके एक नए लेक को लेके गए। उसके बारे में आइए आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं कि आपको जाना है आप करिएगा, तो आप कर लेते हैं। हम लोग उसकी जिस समय डिसाइड किए सितंबर से क्वालिफिकेशन शुरू किए, कभी भी रुके नहीं। डायमंड शिप की जर्नी भी वैसे ही है। डायमंड शिप के लिए पहले से अनाउंस किए कि डायमंड जाएंगे, रोज बोलते थे, रोज जीते थे, और ये भी बोलते थे कि सितंबर में शुरू करेंगे फरवरी में खत्म करेंगे। ये नहीं मालूम था कि क्या चैलेंज आएगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कोई कुछ नहीं। ये पता था कि फरवरी में राजेश नताशा ब्रांड न्यू डायमंड होंगे तो होंगे, और ऐसा हुआ। ये तभी होता है जब आप इस बिजनेस में दिल मन और आप किसी भी डाउनलाइन के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। इस बिजनेस में हम अपने ग्रुप में रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते हैं, रिश्ते हर एक के साथ अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते। किसी दूसरे के जूते में अपने आप को फिट कर लीजिएगा ना, अपने पैर को फिट कर लीजिएगा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, कभी भी आप पीछे नहीं जाइएगा। हम वही काम किए, अपने आप को दूसरे के तरीके में अपने आप को ढालते गए, कभी भी उनका टर्म एंड कंडीशन हम अपना टर्म कंडीशन उन पे नहीं थोपे, उनके टर्म कंडीशन को इज्जत करके उन्हीं के टर्म कंडीशन से रहते थे। क्योंकि मेरे जो प्लैटिनमशिप के दौरान में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, हम अपनी बच्चे को भूखे छोड़ देते थे, लेकिन जिस डाउनलाइन के साथ काम करते थे उनके बच्चे का केयर करना, हर समय केयर करना। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपने डाउनलाइन का केयर करना है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सबों के साथ, धीरे धीरे वो लोग भी मेरा केयर करने लगे। यहाँ पे यही है, अगर आप बहुत लव और केयर करते हैं ना, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा था। आपका बिजनेस के साथ साथ आप रिलेशन भी बहुत बढ़िया करते हैं। आपका यहाँ रिश्ते जितने मजबूत होते हैं आपका बिजनेस उतना ग्रो करता है। और थोड़ा सा अपने ट्रिप्स के बारे में बताएंगे कि इस बार डायमंड होने के बाद बिजनेस क्लास में अपने बच्चे लोग के साथ हम लोग दुबई जा रहे हैं। ये अलग एक, माने बता नहीं सकते कितने खुश हैं। और अपने घर में जब बोलते हैं ना कि हम लोग दुबई बच्चे लोग को बिजनेस क्लास से ले जा रहे हैं, तो घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। आज मेरी गोतनी, मेरे देवर हम लोग को एज अ डायमंड इतना अच्छा रिकॉग्नाइज कहीं करते हैं कि वो इज्जत हम नहीं बता सकते कि क्या मिलता है वहाँ पे। अलग तरह से किसी से मिलवाते हैं वो सारी चीज़। कहीं ना कहीं ये बड़ा पिन पाने पर हुआ है। इसलिए कहेंगे कि समय भी बहुत कम है, लास्ट में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, मेरे लाइफ में जो भी बदलाव आया है, जो भी बड़ा चीज़ पाए हैं, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हुए, अगर ये बिजनेस ये नहीं करते रहते तो हम नहीं कर पाते। तो मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मेरे हस्बैंड का है। इन्होंने मेरे को हर एक जगह हर एक समय समझाया कि कैसे क्या करना है। और मेरे लाइफ के हीरो, मेरे बेटे बेटी के हीरो, मेरे ग्रुप के हीरो, मेरे हस्बैंड। वाह,
इसी स्टेज पर मिलेगा, इतना एडिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। समय रन कर रहा, भाग रहा है, हमारे बच्चे को भी स्टेज पे बुलाना है, लेकिन पहले दोस्त उस चीज को जरूर बोलेंगे जिस कारण से मेरा इमोशनल रीजन, मेरा इनसिक्योरिटी का भाव शुरुआत जब हुआ, जब हमारे साथ घटनाएं घटी तो लगा कि लाइफ में हमारे कंट्रोल का जब नहीं है। 6 महीना अपने आप को दोस्त, कोई भी अपने आप को कल्पना करे, 6 मंथ्स अपने आप को हटा दे जहां पर आप अर्निंग है, योर इनकम माइनस यू करके अगर हिम्मत है, रात को अगर सोने जाइएगा तो नींद नहीं आएगी दोस्त। 6 महीना आपका इनकम आपके बिना क्या होगा दोस्त। एक स्टेपनी लेकर हम लोग चलते हैं गाड़ी को, रात को 12 बजे इत्मीनान रहते हैं, अगर रात को 12 बजे मालूम पड़े गाड़ी चल रही है, अगर स्टेपनी छूट गया तो डर लगने लगता है दोस्त। इतनी बड़ी जिंदगी, इतना बड़ा परिवार सबको लेकर चल रहे हैं, उसमें एक एडिशनल सोर्स, एक एडिशनल स्टेपनी अगर मेरे पास नहीं है तो बड़ा डर का भाव है दोस्त। तो वो दिन मेरे लिए डिसीजन लेने के लिए आ गया कि मैं इसको बिजनेस को बहुत बड़ा करूंगा। बड़े बिग विजन आते आते वक्त लगता है, करने का तरीका में बदलाव आता है, थोड़ा सा स्टाइलिश है, थोड़ा काम करने में अपने एक्स्ट्रा माल चलने में बिलीव करते हैं, डरते नहीं है दोस्त। कोई पिन को लेना है, कोई बिजनेस को बड़ा सपने को लेना है तो एक्स्ट्रा माइल मेरा एक फितरत है, मैं पहुंचना चाहता हूं। मैं जब यूरल जा रहा था, इसे बता रहे थे, इस बीच में कई ग्रुप में कई हीरो आए, लेकिन जब हीरो आते हैं तो बाद में उनका जब देखते हैं कि वो बदला हुआ आदमी है, आज फोनस प्लेटिनम है, इमरल्ड डायमंड है, लेकिन शुरुआती दौर में जो उनके साथ जो काम जिस रूप में करता है उसी रूप में बदलाव लाते हैं दोस्त। हमारे ग्रुप में एक बढ़िया कपल आए, उनका सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, उनका पोस्टिंग झंझारपुर में था, एडिशनल कमिश्नर थे कमर्शियल टैक्सेस में, ई वो था, अपने पद का प्रतिष्ठा का सबका बना हुआ था, और उस समय हम वहां गए उनको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेकिन उसी तरीके से कई बाइक पर लेकर हम लोग को भेज दिए कहीं पर, वो वहां जाइए, वहां पर कितना भी उबड़ उबड़ खाबड़ है आप जाइए, दर्द हो रहा फिर भी जाइए, लेकिन अपलायन का रोल था, उनको लगा अपलायन सर्विस देने के लिए, सर्व करने के लिए ही होता है। फिर रात को 11 बजे एक जगह है निर्मली के लिए भेज दिए, निर्मली पता नहीं हमको तो सुना हुआ पहली बार था, छोटी लाइन पहली बार देखा था, अंधेरे में रात को 11 बजे उस छोटी लाइन में बैठकर वहां पर बकरी और साइकिल और मैथिली भाषा में सब बैठ रहे हैं, एक अंधेरा बोगी में बैठा हुआ, हम बोले चलो भाई चलो, चलना ही है तो जाना है तो चलना शुरू किए। रास्ते में कई स्टेशन आए, कहीं कुछ नहीं दिखा स्टेशन, ना लाइट ना कुछ जगह ना व्यवस्था, जब सोचे निर्मली आएगा तो वहां दिखेगा दोस्त, निर्मली गए तो वहां भी वही अंधकार, लगा मेरा जिंदगी का अंतिम यही प्लान हो रहा है, डर गए दोस्त। क्या भोलूंग आया, क्या ज्वाइनिंग हुई नहीं पता, लेकिन आज श्यामा कान झा, एसके झा और किरण झा के लिए बढ़िया ताली लीजिए, इमरल लगातार जा रहे हैं, फोन इमरल एक ट्रस्ट ऑफ फेथ दिए, आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, डॉक्टर सुनील डॉक्टर नीलम से शुरुआत, फोनस प्लेटनम है, एसके झा श्यामा कान झा के बाद जेके झा नीलम झा नवल किशोर सुनीता उमेश चंद विश्वास अनिता विश्वास विजेंदर शकुंतला, नंबर ऑफ प्लेटनम है, भरे हुए प्लेटनम है दोस्त। एक शुरुआत आपका होता है, मल्टीप्लीकेशन नीचे होता है दोस्त। इमरल जाने की तैयारी कर रहे थे, टीम बहुत बढ़िया है, फर्स्ट लेग के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि टाइम के चक्कर में हम लोग हैं। जब शुरुआत किए तो हमारा लिगामेंट टियर हुआ, एक्सरसाइज करने के लिए गए, एक बंदा आया बहुत सेल्फ में, उस रूप में हाई नहीं था, लेकिन बिजनेस में हमारा पैर का इलाज कर रहा था, मैं उस दिमाग का इलाज कर रहा था, बिजनेस में स्पॉन्सर्ड हो गया। लेकिन इसी बीच में आज जब बता रहे थे कि हम लोग जब बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, ऐसा बारिश जहां पर आदमी को घुसना मुश्किल है, वहां उसके लिए किट ओपनिंग करने गए, 15 दिन के बच्ची को लेकर, जो घर में कहा जाता है बिस्तौरी 20 दिन के बाद निकलना होता है, हम लोग उसके विश्वास को देने के लिए वहां किसी के यहां एक जैन फैमिली थी वहां गए दोस्त। क्या हुआ उसमें नहीं पता, आज ग्रुप इतना बड़ा है कि सुषपाल और लक्ष्मी पटेल के बढ़िया ताली बजाइए, इमरल्ड हैं, उनके नीचे डॉक्टर सुरेश डॉक्टर ममता इमरल्ड है, कई प्लेटफॉर्म डॉक्टर विजय से लेकर कई लोग हैं, और उनके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है, और फोनस प्लेटनम इमरल जाने की तैयारी में है, अजय गोयल शिल्पी गोयल उनके लिए बड़ी यहां ताली दीजिए, खूब बढ़िया ताली दोस्त। जब हमारा थर्ड लेग का ट्रैकिंग था, अच्छा बिजनेस होने लगा, फॉरेन ट्रिप हो रहे थे, मजेदार दुनिया घूम रहे थे, तो उसी बीच में एक नए सपने आए कि इस ट्रैक को निकलना है, बड़े रूप में निकलना है, तो इमरल की तैयारी कर रहे थे, तो जिस लेग को मैंने डिफाइन किया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाने के लिए रेडी था, एकाएक उसमें कहीं चैलेंज आया, वो इनकार कर दिया, या हम उस वहां पर वो आदमी लगा कि वो हमारे साथ प्लग इन नहीं हमारे गोल में। लास्ट था जुलाई अगस्त का महीना था, नए लेग को डिफाइन करना, मात 7 आदमी थे दोस्त। कहते हैं ना कि लाइफ में लगता है कि ये सब जो दिखता है वो फैक्ट नहीं होता है,
लेकिन जो अचीवमेंट होता है आपके विजुलाइजेशन पावर्स होता है, आपके स्पोकन वर्ड्स होता है, आपका सेंस ऑफ पॉजिटिविटीज होता है। मेरे लिए सात आदमी उस लेग में जो शुरुआत हुआ सितंबर से क्वालिफिकेशन शुरू हुआ और अगस्त आते आते एक साल के अंदर उस लेग में उस टीम में 900 से लोग ऊपर जाए लोग थे, 900 पीपल थे दोस्त। सब आप पर डिपेंड करता है आपका किस सोच से चल रहे हैं, क्या विजुलाइजेशन पावर है। आज उस ग्रुप में प्लैटिनम शुरू करें तो बहुत सारे हैं, शिवजी मिस्त्री से संगीता शुरू होते हुए आज निखिल मनी सब फोनस प्लैटिनम मुरल की ट्रैकिंग में है, एक बढ़िया ताई दीजिए उनके लिए। मोहन सुषमा फोनस प्लैटिनम है, मनोरंजन नीतू फोनस प्लैटिनम, अजय मंजू फोनस प्लैटिनम, कैम सुनारी नाना सिन्हा प्लैटिनम गोइंग फोनस प्लैटिनम, लगातार ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आप चलते हैं दोस्त आपका बिलीव लेता है, आपका एक्स्ट्रा माल देखता है, आप रात को 1 बजे किसी के साथ काउंसलिंग करते हैं और उन्हीं के टीम के साथ 5 बजे मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे होते हैं, उनको बिल करते हैं, वो आदमी कतई नहीं बोल सकता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि आपको देखकर बिलीव करता है कि सब कुछ मैनेज होता है, आपकी एक्टिविटी मैनेज होती है अगर सपने बड़े होते हैं। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, शुरुआत जब हुआ बिजनेस में जब हम लोग डायमंड शिप ट्रैकिंग में आए, बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, कंफर्ट हो गया, फॉरेन ट्रिप्स होने लगे, चारों तरफ लगा कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेमिनार होने लगे, सीडी निकलने लगा, फाइनेंस में खूब बढ़िया हो गए, फंडामेंटल पर मजा आने लगा दोस्त। देखिए कभी कभी बड़े सपने को लेने के लिए फिर से कहीं ना कहीं आपको हिलकोरा मारना होता है। डायमंड शिप का ट्रैकिंग पहले ट्रिप जब गए तो देखिए लाइफ में इसके अचीवमेंट का जो देखेंगे आगे कहां तक पहुंचता है आप बिलीव नहीं होगा, आपको लगता है कि कहां पहुंच सकते हैं, हमारा सोच जहां था उससे ऊपर हमको मिलने लगा, तो वो लगता कि फील हो गया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मिल रहा है। जब ट्रिप जाने लगे तो हमारे लंकावी द्वीप गए, खूब मस्ती लेने लगे, वहां ज्यूरिख लगता है कि जुंग फ्रो माउंटेन्स में उस बर्फ पर जो ट्रेन चल रही थी उसका इंजॉयमेंट अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है जब दुनिया जो घूमने लगते हैं दोस्त। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, चूंकि हम लोग क्रिकेट के फैन रहे हैं, एमसीजी ग्राउंड पर हमेशा मैच देखते थे तेंदुलकर और सहवाग को, उसके धरती पर जाकर वहां घास को छूकर फील हुआ कि बिजनेस इतना बड़ा है, यहां आकर आदमी एंजॉय कर सकता है, ये सोच भी नहीं सकते थे दोस्त। लोग सोचता प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट तो बढ़िया है ही है, प्रोडक्ट तो बढ़िया है दोस्त, लेकिन प्रोडक्ट का जो मिलता है ना वो अनबिलीवेबल है, कल्पना से परे है। कई कंट्री आज नियाग्रा फॉल के बारे में बात करें, जब 7 बंडर्स में आता है, जब हम लोग जब जा रहे थे शिप से जा रहे थे नियाग्रा फॉल के नजदीक जा रहे थे, जो छींटा पड़ रहा था दोस्त, कोई निगेटिविटी याद नहीं आती थी, कितने लोग हाँ बोले कितने लोग ना बोले, लेकिन इतना जरूर तय था कि कितने लोग हाँ बोले ना बोले वो मैटर नहीं करता है, जो हाँ बोले साथ में हो गए और हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस नियाग्रा फॉल के उस छींटे के साथ दोस्त। दुनिया में जब अचीवमेंट लेते हैं तो ट्रिप्स के साथ हम लोग लाइफ स्टाइल में आ गए, लेकिन इसी बीच में डायमंड शिप का डिसीजन कई कंट्री पे होते गया, पेरिस का जो एफिल टावर पर जा रहे थे उसका फीलिंग ही अलग है, एंड इवनिंग पेरिस जब आप सीडी और गाना में सुनते थे, आए हम अपने लिए सोच रहे थे कि राजेश नताशा वही एंड इवनिंग पेरिस हो रहा है, ठंड का मौसम था, वियना उस धरती पर जाकर प्राग लगता था कि दुनिया कहां, जब ज्योग्राफी में देख रहे थे, नक्शे में देख रहे थे, ग्लोब में देख रहे थे, मेरे कदमों पर है दोस्त, मेरे कंट्रोल में है, तब कंफर्ट जोन में आ गए थे दोस्त। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ में जहां हैं आप बेस्ट हैं, आपके पास जो भी आप पूरा कर रहे हैं आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आप फैमिली परिवार बच्चे सब चला रहे हैं, लेकिन फिर से लाइफ में एक बड़ा चीज लेना है, 10 साल के बाद आप कहां होंगे, तो डिसीजन दोस्त आपको ही लेना पड़ेगा। आज जहां है बेस्ट है, लेकिन आपको डिसीजन लेने के लिए फिर से अंदर उस चीज डालना पड़ेगा, उस सपने को निकालना पड़ेगा। हमेशा मैं अपने लिए बोलता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, बहुत बाकी है दोस्त, लाइफ में अचीवमेंट कहीं अचीवमेंट है, एक जिंदगी मिला है, कुछ भी कर गुजरेंगे, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, देखो तो सारा आसमान अभी बाकी है। डायमंड शिप शुरू करने के पहले हमारे छोटे भाई रंजन है जो अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी यूपी कैडर में अभी लंदन गए हुए हैं एजुकेशन लिम पर, उन्होंने बोला कि डायमंड क्या होता है, ऐसा कौन सा बात है कि डायमंड आप नहीं जा रहे हैं, फिर अंबा जी अलग से क्या है भाई, तो पार्ट फील हुआ कि लाइफ में यहां के बाद फैमिली उस रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, कुछ और हमसे डिमांड कर रही है। 1 साल की तैयारी बैक में हम लोग फोकस किए किस रूप में कर सकते हैं, टीम को बिल्ड किए, 4th leg, 5th leg, 6th leg सब देखे, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं तो पुख्ता लेते हैं दोस्त, हमेशा हमारा अंदाज ही डिफरेंट होता है, और हमारे छोटे भाई बोलते हैं कि आपका स्टाइल ही डिफरेंट है। हम जब मैनेजमेंट आया हुआ था, चिंता बनर्जी आए हुए थे, बोले कि हम सितंबर में शुरू करेंगे, फरवरी में खत्म करेंगे, बिलीव तो किसी को नहीं होता है, लेकिन अपना उस चीज को एक्सप्लेन करते थे। कई लोग शायद बोलते होंगे
मैनेजमेंट के सामने, सैम के सामने, अपने अपलायन प्रेम्बर जी के सामने, सबके सामने बोले कि सितंबर में शुरू करेंगे, फरवरी में खत्म करेंगे। कौन जानता है कि छह वो लेख छह महीना लगातार क्वालिफाई करेगा। एक दोस्त जब आपके अंदर गट्स है, आप उसमें बिलीव करते हैं, समस्याएं चैलेंजेस प्रॉब्लम कई रूप में आपको खड़ा होगा। लेकिन जब बिलीव करते हैं, जब सितंबर शुरू हुआ, अक्टूबर शुरू चला, नवंबर चला, दिसंबर चला और जनवरी भी चला, और फरवरी में ब्रांड डायमंड होगा दोस्त। फरवरी में छह के छह लेख फिनिश कर दिए लोग। इस अंदाज से शायद मेरा अंदाज ही जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज ही जमाने को खलता है। एक चीज बोल दें आपको, शायद मेरा अपना जिंदगी का जीने का तरीका है, मैं बैक नहीं होता हूं, डिसीजन लेता हूं तो जाता ही जाता हूं। मेरा अंदाज ही जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज ही जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। दोस्त जल्दी आप चलना शुरू कीजिएगा, लाइफ में बहुत चीजें आएंगी, लेकिन एक समय आएगा जब आपको स्टॉप करेगा आपका वो बिलीव का लेवल, आपका गट्स। एक्स्ट्रा माइल चलिए। कई कहानियां हैं लाइफ में, हमेशा हम एक्स्ट्रा माइल बिलीव करते हैं, आप जो हैं जहां हैं बेस्ट हैं, लेकिन अपने जो भी लाइफ में है एक से दो घंटा निकाल दीजिएगा, डिसिप्लिन हो जाइएगा, अपने उस रूटीन में बदलाव कीजिएगा। अब चार साल पहले आपके घर में किस रूप में सजावट था, क्या खाना बना था, किसी को नहीं पता। हमेशा बोलते हैं, हमारी बेटर हाफ को बोलते हैं कि चार साल, दो साल, एक साल पहले क्या बना था, क्या पता, किस रूप में सजा हुआ था, क्या पता, क्या बिछावन था, क्या पता। कि आज जो अचीवमेंट है उसके बारे में पता है कि चार साल पहले मैंने डिसिप्लिन हुआ था, उसको दो घंटा मैनेज किया था, आज मेरा अचीवमेंट उस चार साल के बाद है, इस कारण से मैंने पीछे उस दिन को कम से कम डिसिप्लिन किया था। दोस्त उस मैनेज कीजिए, आने वाले 10 साल के बाद जो होने वाला है, 98 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होगी। हम लोग लाइवलीहुड चलते हैं, लाइफ चलता है, 8-10 घंटा देते हैं, उसी तरह 98 डिग्री सेल्सियस है, 98 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होगा। लेकिन जानते हैं दोस्त, अचीवमेंट दुनिया को लीड करना, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस ऐड कीजिएगा, पानी में इतनी ताकत आती है कि पूरे स्टीम इंजन चलाता है। आपके लाइफ में जब 2 घंटा ऐड हो जाएगा, हम बिलीव दिलाते हैं 10 साल 5 साल आपके लाइफ का, आपके दुनिया को लीड कीजिएगा, यहां तो आइएगा ही आइएगा। एक बढ़िया ताली अपने लिए दीजिए दोस्त। वक्त की कमी है, हम अपने स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे बच्चे को, हमारे फैमिली को, हमारे मदर फादर, हमारे बच्चे को, एक बढ़िया ताली दीजिए उनके लिए। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.